सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मार्टिन साहब को गोली उस्मान ने मारी है। ये कैसे हो सकता है पाशा? सिर्फ पानी वाला दरवाजे पर पानी छोड़कर गया था। जब वो गया तो मैंने दरवाजे से पानी उठा लिया। वो घर है। बहुत अच्छे जाफर, अच्छा काम किया, अब जा सकते हो तुम। सुल्तान मौजम सलीम पाशा ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि वो मेसन पाशा नहीं है। मेसन पाशा अब भी महल में मौजूद है। सुल्तान मौजम सोफिया में नजीब पाशा से मुतालिक तहकीकात शुरू करें। जनाब मार्टिन ने खत में उन्हें महल बुलाने पर सुल्तान मौजम का शुक्रिया अदा किया है। ये इस बात का सबूत है कि हमने उन्हें बुलाया था। जनाब मैं बहुत बदनसीब हूं विक्टर। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जनाब? जब तुम मेरे कमरे में दाखिल हुए, मैं उस वक्त चायकस्की की मौसीकी सुन रहा था। ये मौसीकी कोई आम मौसीकी नहीं है विक्टर। ये कैसी मौसीकी है जिसे सुनकर उस लम्हे रूसी शहंशाह ने अपनी हुकूमत कायम करने का सोचा था। अगर तुम मेरे कमरे में दाखिल ना होते तो मैं उस्मानी रियासत पर कब्जा करने का सोचते ही वाला था। ये है मेरी बदकिस्मती। ये बदकिस्मती है, बदकिस्मती ही है, क्योंकि जिस वक्त मैं अपनी सोचों में गुम था, मुझे उसी लम्हे में तुम्हारी आवाज सुनने को मिली विक्टर, और मुझे वो लम्हा याद आ गया जिसको मैं बिल्कुल भी याद करना नहीं चाहता। ऐसा कौन सा लम्हा था जिसे आप याद नहीं करना चाहते? नेपोलियन का रूसी हमले के वक्त वापस चले जाना। याद रखना, कभी भी तुम उस वक्त मेरे कमरे में दाखिल मत होना जब मैं चाइकोवस्की मौसीकी सुन रहा हूँ। ठीक है जनाब। विक्टर, तुम यहाँ आए क्यों थे? क्या है तुम्हारे हाथ में? सुल्तान अब्दुल हमीद ने अखबार में वो खत शाया करवाया है जो मार्टिन ने पाए तख्त आने से पहले उसे लिखा था जनाब कसल, जिस पर मार्टिन ने उसे पाए तख्त मधु करने पर उसका शुक्रिया अदा किया है। हाँ, याद आया। अवाम को कानून असासी के बारे में हमने पहले ही
गलत मालूमात फराहम कर दी हैं, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम फौरन मुखालिफ सोच रखने वाले जनाब करासू और उनके साथ जो भी लोग थे, क्या नाम है उनका? ओ, मुझे कभी भी लोगों के नाम वक्त पर याद क्यों नहीं आते? तलत और मनियास रफीक साहब। हाँ, उन्हें बोलो कि फौरन यहाँ आए। जो आपका हुक्म जनाब। रुको विक्टर। हाँ, बाकी के लोगों को भी बुला लो। सबको कहो कि हमें एक बार फिर से उसी मेज पर जमा होकर साथ खाना खाना है। जो आपका हुक्म। सुल्ताने मौज़म, हमने अपने काबिले भरोसा लोगों से नजीब पाशा को सोफिया में तलाश करने का कहा। नतीजा? वो अपनी बीमारी की वजह से काफी अरसे से दफ्तर नहीं आए और मालूमात भी डाक के जरिए भेज रहे हैं। हमारे लोग उनके घर गए, वहां मुलाजिमों ने बताया कि वो काफी अरसे से इस्तांबुल में है, यानी काफी वक्त से किसी ने नहीं देखा नजीब पाशा को। यानी सलीम पाशा ठीक कह रहे हैं। सलीम साहब, काश कि वो खुद आकर हमसे बात करते तो शायद हम उनके लिए कोई रास्ता निकाल लेते। अब कौन जाने कि वो कहां है। सुल्तानी मौसम, माफ कीजिएगा, एक बात है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। क्या बात है? सलीम पाशा आपसे मुलाकात करना चाहते थे। आप ये बात हमें अब क्यों बता रहे हैं पाशा? सुल्ताने मौसम, मैं जानता था कि आप उनसे मिलेंगे, लेकिन पहले मैं सलीम पाशा की बातों की तस्दीक करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सलीम पाशा आज रात एक मकान में हमारा इंतजार करेंगे। आह तस्दीक पाशा, आह। मैंने ये सब आपकी सलामती के लिए किया। हम समझ सकते हैं पाशा, समझ सकते हैं, मगर रियासत की सलामती खतरे में है। अब हमारे पास कोई नया मंसूबा बनाने का मौका है। तहसीन पाशा, पायतख्त आने वाली तमाम टेलीग्राफ लाइनों को काट दिया जाए, कहिएगा कि मरम्मत की जा रही है। हम नहीं चाहते कि बाहर से पायतख्त में कोई भी टेलीग्राम आए। समझ गया सुल्ताने मौसम। महमूद पाशा को बुलाइए। जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। आप क्या सोच रहे हैं सुल्ताने मौसम? आप जल्द देखेंगे बेटा। आपने हवेली फरोख्त करने का फैसला किया है, जैसे ही वो फरोख्त होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। परेशान मत हो, आपकी हवेली इतनी जल्दी फरोख्त नहीं होगी, और उसके फरोख्त होने तक हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आपको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ आलिया, बहुत ज्यादा। हमसे आपका तोहफे में दिया हुआ ब्रोच खो गया है, आप नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप उदास मत हो, मैं आपको एक नया तोहफा दे दूंगा। ये देखिए, इससे पता चलता है कि आलिया सुल्तान उन खुफिया रास्तों से जाती रहती हैं। सुल्ताना, अल्लाह ने मेरी मदद की और ये वहाँ मुझे नजर आ गया। हाँ इमसाल खादमा, लेकिन आप जानती हैं ना कि हम नहीं चाहते थे कि आप वहां जाएं। अगर कोई आपको देख लेता तो? मुझे किसी ने नहीं देखा। आप यहाँ परेशान हैं तो मैं हाथ पे हाथ धरे कैसे बैठी रह सकती थी सुल्ताना? इमसाल खादमा, अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो, मेरी फरिश्ता सिफत सुल्ताना। अब आप क्या करेंगी? अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। खुशामदीद पाशा, हम आपसे एक अहम बात करना चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप आराम से सोफे पर बैठ जाएं। बेटा पाशा को सोफे पर बिठाइए।
महमूद पाशा। हुक्म कीजिए सुल्तान मुअज्जम। हम आपको एक पेशकश करना चाहते हैं। वो क्या सुल्तान मुअज्जम? आप हमारी बहन सनेहा सुल्तान के शौहर हैं, काफी अरसे से हमारे साथ हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप हमारे खानदान के फर्द हैं। शुक्रगुजार हूँ सुल्तान मुअज्जम कि आपने मुझे हमेशा अपने खानदान का हिस्सा समझा और मुझे इज्जत दी। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। लेकिन फिर भी हमें यह लगता है कि हम आपकी कदर नहीं कर सके। अस्तग़फिरुल्लाह सुल्तान मुअज्जम, ऐसी कोई बात नहीं। आपने हमेशा मुझे मेरी हैसियत और मकाम से ज्यादा इज्जत दी। अल्लाह आपको खुश रखे। फिर भी पाशा, अगर आप हमसे कुछ चाहते हैं तो बताइए। अगर आपको किसी मनसब की तलब है तो हम आपको सौंप देंगे, मसलन वजीर आजम का मनसब। अगर आप चाहें तो हम आपको वजीर आजम बना देते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम, लेकिन मेरी वाहिद ख्वाहिश कौम की खिदमत है और कुछ नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए अहम है पाशा। सुल्तान मुअज्जम, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी मेरी सेहत आपके सामने है। इस सूरत हाल में मैं कोई और जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं हूं। एक बार फिर आपका शुक्रिया। सुल्तान मुअज्जम। महमूद पाशा, हमें तहसीन पाशा से कहां बात करनी है। जब तक आप हमारा यहां इंतजार कीजिए, हम अभी आते हैं। सालिया सुल्तान नजर नहीं आ रही, ना जाने क्या कर रही होंगी। चाहे चहलकदमी के लिए दोबारा जंगल गई हूँ। कौन जाने अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या हुआ? क्या अभी भी आप उनकी हिमायत करेंगी जबकि उन्होंने आलिया पर इल्जाम लगाया है? हम किसी की हिमायत नहीं करते। हमें जो मुनासिब लगता है हम बस वही करते हैं। सालिया सुल्तान, हम अभी आपका ही जिक्र कर रहे थे। आपका जिक्र किया और आप तशरीफ ले आई। अभी आपको हमारे यहाँ आने की और ज्यादा खुशी होगी। ये तो आलिया का जेवर है ना, ये सुबह से इसे ढूंढ रही थी। बिल्कुल, हम इसके लिए बहुत परेशान थे। ये कहाँ मिला आपको? सुरंग में। लगता है आप फिर कोई ख्वाब देख रही हैं सालिया सुल्तान। खुफिया रास्ते की सुरंग में आपके अलावा कोई भी नहीं जाता। दरअसल ये हमें नहीं बल्कि इमसाल खादमा को मिला है। लेकिन आपकी खादमा वहाँ किस लिए गई थी? महल में आजकल जो कुछ हो रहा है आप सब उससे वाकिफ हैं। इसीलिए उन्हें सुरंग की तलाशी लेने भेजा हमने। और हमें ऐसा लगता है कि आप वहाँ अक्सर आती जाती हैं आलिया सुल्तान, इसीलिए आपका जेवर वहां गिर गया होगा। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। हमने आपको इतनी देर इंतजार करवाया पाशा, माजरत चाहते हैं। कोई बात नहीं। क्या आप इस शख्स को जानते हैं पाशा? सुल्तान मुअज्जम, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अगर इसे पहले कभी देखा होता तो यकीनन मुझे याद होता। कौन है ये सुल्तान मुअज्जम? कोई अहम शख्स नहीं है पाशा, आप बेफिक्र रहिए। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। खुश आमदीद अशरफ भाई। शुक्रिया बहन। नैरवा लोगों का क्या हुआ? हम पहुंच गए थे उन तक मगर धमाका नहीं कर सके। बाद में बात करेंगे। हमारा पुराना ठिकाना बिल्कुल महफूज नहीं रहा। अब हम कुछ अरसा यहाँ पर रहेंगे।
तभी अली उस्मान के इलाज के लिए यहां आ जाएंगे। बाबा की जान, मेरे शेर। परेशान तो नहीं हो तुम? क्या हम सैर करने चलें? हाँ चलो ठीक है। आज हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं? लगता है इस तरफ एक मिठाई बेचने वाला खड़ा है जिसके पास मजेदार मिठाइयां हैं। आओ मेरे पीछे। अगर तुम मेरे पीछे ना आए तो मैं सारी मिठाइयां खा लूंगा। आ जाओ जल्दी। पाशा हजरत, आप सब जानते हैं कि कानून असासी वाले मामले में हम पेशरफ चाहते हैं। इस हवाले से हमने कुछ इकदामात भी किए थे। मार्टिन साहब को भी हमने इसीलिए पाया तख्त बुलाया था। ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसा मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि हमारे मुखालिफ ये नहीं चाहते कि कानून असासी वाला मामला हमारे हक में हो। तख्त नशीन होने के बाद हमें तीन किस्म के दुश्मनों का सामना हुआ। पहले वो जो हकीकतन आजादी चाहते हैं और इसी वजह से हमारे मुखालिफ हैं। हम उनके सामने रवादारी का मुजाहरा करते हैं। वो यूरोप के तालीमी इदारों में पढ़ते हैं। रियासत उनके अखराजात उठाती है और इसीलिए उनका वजीफा भी बंद नहीं किया गया। और दूसरी किस्म के मुखालिफीन वो हैं जिनका रियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वो बरतानवी, फ्रांसीसी और रूसी हैं जो कि फितरी तौर पर हमारी रियासत के खिलाफ हैं। इनके साथ हम अलग तरीके से पेश आते हैं। हम इन दुश्मनों के हर हमले का भरपूर जवाब देते हैं। ये भी खुद को आजादी पसंद कहलवाते हैं। इनका मकसद हमारे दरमियान मुखालिफीन की हिमायत हासिल करके रियासत को मुश्किलात से दोचार करना है। यानी जिस कानून असासी के वो तालिब हैं उससे हमारी रियासत के टुकड़े हो जाएंगे। और वो ये जानते हैं कि अगर पिछला कानून असासी नाफिज हो गया तो हमारी रियासत 5 साल भी नहीं चल पाएगी और उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी किस्म के दुश्मन वो हैं जो बज़ाहिर हमारे साथ हैं लेकिन हमारे दुश्मनों के लिए काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो हकीकतन आजादी नहीं चाहते बल्कि ताकत हासिल करने के लिए आजादी का बहाना बनाते हैं। हमारी सबसे ज्यादा खतरनाक जंग इन्हीं लोगों के साथ है। हम जब भी कानून असासी के नाफिज होने का ऐलान करेंगे तो हमारी सबसे ज्यादा मुखालिफत यही दूसरी और तीसरी किस्म के लोग करेंगे। आपने दुरुस्त फरमाया। अगर हमने उनके मफाद को अपने हाथ में ले लिया तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। इसी वजह से वो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। मार्टिन साहब को भी इसीलिए कत्ल कर दिया गया लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। कानून असासी पर काम करने के लिए हमने एक पाशा को बुलाया है। कौन से पाशा? सलीम साहब के भाई नजीब पाशा। सुल्तान मुअज्जम, मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन सबको मालूम है कि सलीम पाशा मैसन पाशा हैं, यानी नजीब पाशा भी सलीम पाशा के भाई हैं। तो फिर हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? महमूद पाशा, हम एक भाई के जुर्म की सजा दूसरे भाई को कैसे दे सकते हैं? नजीब पाशा सोफिया में अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। अगर कानून असासी को हम ऐसा तरीके से तैयार कर सके तो हमें उम्मीद है कि बल्गारवी कौम हमारे साथ इत्तेहाद करके हमारे साथ होगी। इसी वजह से हमने नजीब पाशा को यहाँ बुलाया है। अब आप सब जा सकते हैं। आप यहीं रुकिए तहसीन पाशा। सुल्तान मौज़म, हम तो जानते ही नहीं कि नजीब पाशा कहाँ हैं। हम उन्हें यहाँ कैसे बुलाएंगे? आपने ऐसा क्यों कहा? मेसन पाशा कौन है ये जानने के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं अहमद पाशा? अगर कहना होता तो कह देता। जनाब का रसूल आपके सवाल करने का इंतजार न करता। आप इस कदर अजीब अंदाज से देख रहे हैं तो मुझे लगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ मेज पे इतने सारे लोग बैठे हैं मगर आप सिर्फ मुझे देख रहे हैं। यानी इस पूरी मेज पर आप सबसे ज्यादा मोहतात हैं जनाब का रसूल। अब मैं इसे तारीफ समझूं क्या? एतराफ कहना ज्यादा बेहतर है। एतराफ करता हूं मैं इस बात का कि आपको यहां देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। आपके अलावा इज्जत पाशा को भी देखकर। एक शख्स को भूल गया, सबाहुद्दीन भी हमारे साथ है। सबाहुद्दीन तो पहले दिन से ही आप लोगों के साथ है और यह मैं अच्छी तरह जानता हूं।
माफी चाहता हूं, देर हो गई। यहां इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? अहमद पाशा की वजह से ये जहां जाते हैं दहशत फैला देते हैं। सबाहुद्दीन कहां है? उससे राब्ता नहीं हुआ। इससे क्या मुराद है जनाब कारासू? फजूल बातें करने के बजाय आपको चाहिए कि जो काम आपको दिया गया है उस पर ध्यान दें। अगर उससे राब्ता नहीं हो रहा तो आप क्यों आए हैं? सबाहुद्दीन कहां है और किसके साथ है उसे तलाश करें, और ये जिम्मेदारी आपकी है। बेफिक्र रहिए। ये खेल खत्म हुआ ना बाबा, आप मुझे यहाँ से निकालने आए हैं, मुझे यहाँ छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? तुम बहुत बोलते हो, खामोश रहो। भूख से तुम लरस रहे हो, मुझे मालूम था कि तुम्हें भूख लग रही होगी। बेहतर होगा कि कुछ खा लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने बेटे के लिए। मगर आप क्या करना चाहते हैं बाबा? ऐसा क्या कर रहे हैं कि अपने बेटे को यहाँ कैद करना पड़ा है आपको? सबाहुद्दीन, मैं नहीं बल्कि तुम गलत काम करते हो, मुझे बहुत परेशान करते हो। मैं हजार मसलों में उलझा हुआ हूं, अब तुमसे नहीं उलझ सकता। तुम चाहो या ना चाहो अब यहीं रहना होगा तुम्हें, इसलिए गिड़गिड़ाना छोड़ो और सुकून से रहो। समझे मेरी बात? अब थोड़ा पीछे हटो, हटो। मैं तुम्हारा खाना यहां रख रहा हूं, चाहो तो खा लो, चाहो तो ना खाओ, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुमने ये ना खाया तो चूहे ये खाने आ जाएंगे, और यहां इतने चूहे होते हैं कि तुम उनसे बचने की जगह ढूंढते रहोगे। इसलिए बेहतर होगा कि खा लो बेटा। अब्दुल हमीद ने कानून असासी के हवाले से जिन लोगों का तायुन कर रखा है उनका क्या बना? हमें एक आदमी की जगह का इल्म हो गया है, वो एक तरह से नजरबंद है, बाहर नहीं निकल सकता। मार दो से। क्यों मारना है? क्या आप लोग कातिल हैं? तो आप क्या तजवीज देंगे? हम जो भी तजवीज देंगे, लेकिन रियासत के किसी वफादार को मारने का नहीं कहेंगे। उसे फरार होने के लिए आमादा कर सकते हैं? कैसे? खौफजदा करके। यह हमारे लिए उसे कत्ल करने से ज्यादा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, एक कानून दान पायतख्त से फरार हो गया क्योंकि अब्दुल हमीद के जासूस उसके पीछे थे। हमें और क्या चाहिए? अच्छा मंसूबा है, मुझे पसंद आया। उसके पीछे जासूस छोड़ दे। ऐसा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि तुलबा वाले मामले में भी इल्जाम मेरे साथ डाला गया था, और अब मैं खुद को मजीद खतरे में नहीं डालूंगा। तो फिर ये काम अब तुम्हारे हवाले है नरवा। वो क्या नाम था, अशरफ अजीज, उसे हदफ के पीछे लगाना होगा, मगर काम में कोताही ना हो। वो आदमी पहले ही बहुत जज्बाती है, फौरन जाल में फंस जाएगा। बहुत खूब, बहुत तरीके से जाल बिछाना होगा। बेफिक्र रहिए जनाब। हाँ
सुल्तान मौसम आइए। यही वो मकान है। मोहतात रहिएगा, हम नहीं चाहते कि वो फरार हो जाए। सुल्तान मौसम, बाहर तो तमाम इंतजामात मुकम्मल है लेकिन अंदर आप अकेले। बेफिक्र रहें, हमारी निगाहें बहुत तेज हैं। सुल्तान मौसम, मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने पर, अपनी रियासत के साथ और आपके साथ गद्दारी की। ये सब मैंने अपने भाई के लिए किया। भाई के लिए किया तुमने? क्या हमारी कौम के दूसरे अफराद तुम्हारे लिए भाई नहीं है? क्या इस रियासत पर उनका हक नहीं है? तुमने सिर्फ रियासत से नहीं बल्कि कौम से भी गद्दारी की है। उन्होंने कहा अगर मैं उनकी बात मान लूं तो वो मेरे भाई को छोड़ देंगे सुल्तान मौसम। मैंने मान लिया लेकिन मेरे भाई को नहीं छोड़ा। मैं मजबूर था सुल्तान मौसम, मैं आपको बताना चाहता था लेकिन उन्होंने धमकी दी कि वो मेरे भाई को मार डालेंगे। वो मेरे बाबा के बाद मेरा आखिरी सहारा था। तो ये रियासत हमारे पास किसकी अमानत है? क्या ये हमारे आबाओ अजदाद की अमानत नहीं है? बताओ हमें। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है सुल्तान मौसम, बस मेरे भाई को बचा लीजिए उनसे। अगर तुम रियासत के लिए कुछ करोगे तो हम भी तुम्हारे भाई के लिए कुछ कर पाएंगे। आप जो कहेंगे मैं करूंगा सुल्तान मौसम, जो आप कहेंगे करूंगा। इसका अंजाम मौत भी हो सकता है। यही मेरी निजात होगी सुल्तान मौसम, गलती का असाला। हमारी तरफ देखो। चलो। शहजादे, शुक्र है अल्लाह का। मस्नूई बाल लगाने वाले को बुलाइए। आपको देर हो गई पाशा। जी हां, एक अहम खबर है। अब्दुल हमीद पाए तख्त में एक पाशा को बुलवा रहा है। मैं इस हवाले से मालूमात जमा कर रहा था इसीलिए देर हो गई। यानी अब्दुल हमीद अब कोई नया मंसूबा बना रहा है, उस पाशा पर नजर रखिएगा और हमें मालूमात फराहम करते रहिएगा। जी जरूर। अब आपको हमारे सवालात के जवाबात देने होंगे। अगर हमें लगा कि आप झूठ बोल रहे हैं तो ना तो आपका भाई बच पाएगा और ना ही आप बच पाएंगे। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा सुल्तान मौसम। ट्रेन में सवार शख्स को किसने मारा था? मैसन पाशा के हुक्म पर मैंने मारा था।
कैसे? अखबार पर जहरीली रोशनाई से छपाई की गई थी। लेकिन वो अखबार उस शख्स ने अहमद पाशा से लिया था। यह सच है, उस वक्त वो अखबार ठीक था, लेकिन जब वो बाहर निकला तो मैंने वो अखबार जहरीले अखबार से तब्दील कर दिया। आपको कैसे मालूम था कि कौन सा अखबार उठाएगा वो शख्स? मैसन पाशा जानते थे कि उस शख्स ने कौन सा अखबार उठाना है। उसे कैसे मालूम थी ये बात? उस शख्स ने वो काम महज रकम के लिए किया था। उसे सिर्फ ट्रेन में सवार होना था ताकि मैसन पाशा आसानी से सैलानी जा सके, यानी तवज्जो हटाने के लिए। उस शख्स को रकम कहां से हासिल करनी है, तमाम तर तफसीलात उस अखबार में लिखी थी। यानी कि उस शख्स को मार दिया गया ताकि वो किसी को ना बता सके कि मैसन पाशा कौन है। शहजादी, ये आपके लिए आया है, रख दीजिए। सुल्ताना, आपके जाने की खबर सुनकर मैं बहुत ज्यादा रंजीदा हूं। अब मुझे आपसे मुलाकात का शर्फ दोबारा कब नसीब होगा? शायद आपका चेहरा देखकर मुझे तसल्ली हो जाए और मेरा दुख कम हो जाए। आ जाइए। सालेहा सुल्तान, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहिए, कैसे आना हुआ? हमें आपकी फरासत पर भरोसा है फातिमा सुल्तान, इसीलिए हम सीधा आपसे बात करने चले आए, आपकी बहन के बारे में। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। हमें कुछ अरसे से उन पर शक था फातिमा सुल्तान, लेकिन अब हमें यकीन है। हमें ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत यही है। आपकी बहन आलिया सुल्तान हम सबको धोखा दे रही है, खास तौर पर वो नाइमे सुल्तान को नुकसान पहुंचा रही है। जब से हम यहां आए हैं, उन्होंने हमें नाइमे सुल्तान के खिलाफ करने की हर मुमकिन कोशिश की है। हमें इसकी वजह समझ नहीं आ रही, लेकिन यही सच है। हम जानते हैं कि आपको इन सब बातों का अंदाजा है, इसलिए आप अपनी बहन को यहां से ले जा रही हैं। हम अपनी बहन की जानिब से आपसे दिल से माजरत चाहते हैं। खुदारा अपने फैसले पर कायम रहिएगा, ठीक है? अपनी बहन को यहां से ले जाइए। अगर ऐसा ना हुआ तो हम सुल्तान मुअज्जम को उनकी भतीजी के बारे में सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाएंगे। आप हमारी बात समझ रही हैं ना? क्या वाकई आप सुरंग में गई थी आलिया? क्यों गई थी आप वहां? हम सिर्फ वो जगह देखने गए थे नाइमे बाजी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने हमें क्यों नहीं बताया? सिर्फ एक ही बार गए थे हम वहां, और तब हमारा ब्रोच गिर गया। सालिया सुल्तान हमेशा की तरह मुबालगा आराई कर रही हैं। आ जाइए। शहजादी, आपके लिए खत आया है। शुक्रिया आयशा। ये खत किसने भेजा है? कानी ने। उसने आपको खत क्यों भेजा? वो हमसे कोई अहम बात करने के लिए मिलना चाहते हैं। वो मुझसे अहम बात करने के लिए मिलना चाहती हैं। लेकिन उन्होंने तुम्हें ही क्यों बुलाया? मामू ठीक कह रहे थे, लगता है मुझे पसंद करती हैं वो। खत भेजकर मुझे बुलाया है उन्होंने, शायद वो मुझे बचपन से ही पसंद करती हूँ। पहली मोहब्बत इंसान कभी नहीं भूलता,
लगता है वो इतने बरसों से मेरी मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल सकी। वाह नाइमे वाह। कौन क्या निकाल ना सका? कुछ नहीं। किसकी बात कर रहे हो? किसी के बारे में नहीं, अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी है ना, उसी के बारे में बात कर रहा था आयशा से। तुम जरा मेरी आँखों में आँखें डालकर देखो कानी, आखिर तुम अपनी माँ से क्या छुपा रहे हो कानी? मगर मैं भला आपसे कोई बात क्यों छुपाऊंगा प्यारी वालिदा? जरा देखो तो तुम्हारे माथे पर क्या लिखा है कानी? क्या लिखा है? लिखा है माँ जो कहेगी वो करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल वालिदा, जो आप कहेंगी वही करूँगा। शाबाश मेरे बेटे शाबाश। मेसन पाशा के इजलास के बारे में जब हमें मालूम हुआ था तो हमने अहमद पाशा और आपको अहकाम जारी किए थे कि उस जगह छापा मारा जाए। अहमद पाशा पर इल्जाम लगाने के लिए वो नकाब मैं खुद आपके पास लाया था सबूत के तौर पर। अहमद पाशा के वहां पहुंचने से पहले इजलास के तमाम अराकीन को तंबीह कर दी गई थी। यानी आपकी वजह से हमने अहमद पाशा पे बेवजह शक किया और जुल्फुल इस्माइल पाशा उस जूतों के बाजार में किससे मिले थे? मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता सुल्ताने मौसम, लेकिन वो भी मैसन पाशा का मंसूबा था। तलाबा को महल से किसने फरार करवाया था? मैंने करवाया था सुल्ताने मौसम। अहमद पाशा और मनियाज की मुलाकात का भी मैंने आपको बताया था, आपने मेरा इम्तिहान लिया। दुरुस्त, हमने इम्तिहान लिया था और आप उस इम्तिहान में पूरे उतरे थे। और वो जो महल में कातिब को मारा गया था वो किसका काम था? उसके बारे में भी कुछ नहीं जानता सुल्ताने मौसम, लेकिन उस काम में भी मैसन पाशा का ही हाथ है। मैसन पाशा का पहला हदफ इस्माइल पाशा को आपसे दूर करना था और अगला हदफ अहमद पाशा थे, इसीलिए दोनों पर इल्जाम लगाया गया था। फिर मैं मैसन पाशा की जगह उस इजलास में शरीक हुआ। अब हम असल बात की तरफ आते हैं। जानता हूं कि आप क्या पूछने वाले हैं कि मैसन तंजीम के इजलास में कौन कौन शामिल है। तो फिर जवाब दीजिए हमें। बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे भाई को बचाइए। सौदेबाजी कर रहे हो तुम? बेटे ऐसा मत कीजिए। मैं शर्मिंदा हूं सुल्तान मौसम, अपनी रियासत अपनी कौम और आपके साथ गद्दारी की। इस सब के बावजूद मेरे हाथ कुछ नहीं आया। अगर आप मेरे भाई को बचा लें तो मैं आपको डाक के जरिए बता दूंगा कि महसन मजलिस के अंदर कौन कौन शामिल है और वो किन लोगों से राब्ते में है। सलीम, हमारी नजर में तुम अपनी इज्जत खो चुके हो। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है, हम भी तुम्हारे ही तरीके से चलेंगे। मसनूई बाल लगाने वाला आ गया क्या? जी हां सुल्तान मौसम। आलिया, क्या हुआ?
आपकी हवेली के लिए खरीदार मिल गया है। कैसे? इतनी जल्दी कैसे मिल गया? हमें भी तवक्को नहीं थी। इस सूरत हाल में हम नायमे को उनकी रकम वापस करके चंद ही दिन में वालिदा के पास बुढ़सा जा सकते हैं। नहीं बाजी, हम आपसे इल्तजा करते हैं, आप हमें यहां से लेकर मत जाइए। हमने वालिदा को अपनी वापसी की इत्तला भेज दी है। ऐसा मत करें बाजी, खुदा रहा ऐसा ना करें। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, हम ये आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हमने आपको कई बार स्टेफानो से मिलने से मना किया, लेकिन आप अभी तक उनसे मिलने के लिए सुरंग वाले रास्ते से जाती हैं। हम आपको ये कैसे करने देंगे? नहीं जा सकते हम यहाँ से जाकर खुश नहीं रहेंगे, उनके बगैर नहीं जाएंगे। समझे बाजी, उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम भी यहाँ से नहीं जाना चाहते, लेकिन सालिया सुल्तान सब जानती हैं। अगर हम आपको यहाँ से लेकर ना गए तो वो चचा को बता देंगी। आपकी तजलील होगी आलिया, अपने मरहूम वालिद के बारे में सोचिए, हमारे लिए जाना ही बेहतर है। सालिया सुल्तान, इस सब की वजह वही है, हम उनसे नफरत करते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। गलती आपकी है, समझ रही हैं आलिया, सालिया सुल्तान की नहीं, तो कीमत भी आपको ही चुकानी होगी। नजीब पाशा के चेहरे से मेसन पाशा वाकिफ नहीं है, तुम्हारा यही कहना है ना? जी ऐसा ही है, उन्होंने मुझे खुद बताया था। उन्होंने अगवा का काम किसी और से करवाया है, और जिन लोगों ने अगवा किया है उनका कहना है कि अगर मैंने मेसन पाशा को कोई नुकसान पहुंचाया तो वो मेरे भाई को जान से मार डालेंगे। तो फिर तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, तुम अपने भाई नजीब पाशा की जगह लोगे, तुम पाशा हजरत से मुलाकात करोगे, क्योंकि नजीब पाशा को किसी ने नहीं देखा तो कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा, और तुम अपना भेष बदलकर नजीब पाशा की जगह पाए तख्त आओगे। इस सब से क्या होगा? मेसन पाशा पाए तख्त से टेलीग्राम नहीं भेज सकता, कोई भी नहीं भेज सकता। मेसन पाशा को ऐसा लगेगा कि नजीब पाशा अपने अगवाकारों से बचकर आ गए हैं, फिर वो मुझसे राब्ता करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, और तुमसे राब्ता करने वाला शख्स ही मेसन पाशा होगा। दाढ़ी लगाएं। हम तुम्हें तमाम मालूमात फराहम करेंगे, जब मेसन पाशा तुमसे राब्ता करेगा तो वो बेनकाब हो जाएगा, और जब हम तुम्हारे भाई को बचा लेंगे तो तुम हमें मेसन इजलास के तमाम अरकान के बारे में बताओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मस्जिद में होने वाले कत्ल के बारे में सुना? मुझे भी अभी रास्ते में मालूम हुआ। मक्तूल एक जमाने में सुल्ताने मौज़्ज़म के लिए कानूनदान की हैसियत से काम करता था, हुसैन नाम था। कत्ल का कुछ मालूम हुआ? अभी नहीं, लेकिन तहकीक जारी है। ये सब इकदामात कानून असासी वाले मामले को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने मार्टिन साहब को मरवाया जबकि सुल्तान मुअज्जम ने खुद उन्हें बुलाया था, और अब उन लोगों ने सुल्तान मुअज्जम के लिए काम करने वाले हुसैन साहब को कत्ल कर दिया है जो उनके वफादार थे।
सुल्ताने मौसम। बाबा जान, आपने हमें बुलाया। क्या हमसे कोई गलती हो गई है सुल्ताने मौसम? तहसीन पाशा, हवेली के कागजात हवेली की मालकिन के हवाले कर दीजिए। जैसा आप कहें। लीजिए। आपने भी नए में बेटी की तरह से हमसे मशवरा किए बगैर अपनी हवेली फरोख्त करने का फैसला कर लिया। आपने तो पहले ही अपनी हवेली बेच दी थी ना। आलिया बेटी ने भी आपकी तरह आपसे झूठ बोला था, लेकिन आपकी गलती उनकी गलती से बड़ी है, क्योंकि आपने अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय फातिमा बेटी पर इल्जाम लगा दिया। बाबा जान, आपने हमारी नजरों में अपनी वक्त खो दी है, हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है आपने। हम अपनी गलती की तलाफी करना चाहते थे। तलाफी की कोशिश में आप मजीद गिरती चली गई। हमें इस बात का इल्म था सुल्ताने मौसम, नए में आपके सामने शर्मिंदा होने से डरती थी, इसीलिए इन्होंने हम पर इल्जाम आयद किया। और अब जब इनकी गलती आश्कार हो चुकी है, ये हमसे नजरें भी नहीं मिला पा रही, सर झुका कर खड़ी है, कल अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में क्या जवाब देंगी आप? हजरत अली करमुल्ला वजो का इरशाद है कि दुनिया की लालच करने के बजाय आखिरत की फिक्र करो, दुनिया में हिसाब नहीं बल्कि अमल है, और आखिरत में कोई अमल नहीं बल्कि हिसाब होगा, इसीलिए सोच समझ कर अमल कीजिए, क्योंकि हर अमल का हिसाब देना है। जाइए। कानून असासी की तश्कीली कमेटी का हिस्सा रहने वाले हुसैन साहब को एक मस्जिद में कत्ल कर दिया गया। आपकी बहन आलिया सुल्तान के लिए एक पैगाम आया, वो यहाँ से फरार होने का मंसूबा बना रही है। मैं इसे सबूहा साहिबा के कमरे में ले जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी करो, मुझे बहरी जहाज तक पहुँचना है।